जैसे जैसे कुंभ में धर्म संसद की तारीख नजदीक आती जा रही है, वीएचपी और संतों के शिविर में गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। अदालत में राम मंदिर की सुनवाई टलने और केंद्र सरकार की ओर से राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाने के फैसले से संतों में मायूसी है। अब प्रयागराज में साधु संतों ने ऐलान किया है कि राम मंदिर का निर्माण सविनय अवज्ञा आंदोलन से किया जाएगा। कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा से पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती राम मंदिर को लेकर परम धर्म सभा करने जा रहे हैं। 28 से 30 जनवरी तक होने वाली धर्म सभा में राम मंदिर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के नेतृत्व में साधु संत अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की माने तो इस धर्म सभा में 1008 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। धर्म सभा में चारों पीठ, 245 देश, 13 अखाड़ा, 7 पुरियों और 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा सभी संसदीय क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। पूरे विश्व के 1008 प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले और साथ ही साथ चारों शंकराचार्य पीठों के प्रतिनिधि, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, 7 पुरियों के प्रतिनिधि, 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिनिधि, 51 शक्ति पीठों के प्रतिनिधि, भारत की सभी संसदीय क्षेत्रों के एक एक प्रतिनिधि, 245 देशों के एक एक प्रतिनिधि, इस तरह से इसमें सीट की रचना की गई है और वो लोग बैठ करके इस बारे में चर्चा करेंगे। और जहाँ तक राम जन्मभूमि का सवाल है तो राम जन्मभूमि का भी प्रश्न उसमें आएगा, बहुत सारे प्रश्नों के साथ जो सनातन धर्म के समस्याएं हैं उन पर भी पहले प्रश्न आएगा, फिर उस पर विचार होगा, चर्चाएं होगी, चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम जन्मभूमि विवाद का हल नहीं निकलने पर संतों का धैर्य टूट रहा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें जानबूझकर कानून को तोड़ा गया था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साफ किया है कि परम धर्म संसद के बाद साधु संत अयोध्या के लिए कूच करेंगे, जहां राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। कुंभ में 29 जनवरी को संगम क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक भी है। ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट कुंभ में बैठेगी। इस बीच श्रीराम के जन्म स्थान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। मुंबई में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भले ही कांग्रेस ना मानती हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने जो अपना फैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने इस बात को कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में ढांचा तोड़ा गया था, उस ढांचे के बाद हाई कोर्ट ने जब वहां उत्खनन करवाया तो सीकेके मोहम्मद की उस टीम ने इस बात को साबित किया कि जहां बाबरी ढांचा था वहां पर राम मंदिर को तोड़ करके ही बाबरी ढांचा बनाया गया था। योगी ने कहा कि श्री राम के जन्म स्थान को लेकर कोई विवाद नहीं है, कांग्रेस भले ही ना माने लेकिन राम लला का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में जन्मे, पता नहीं कांग्रेस के लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम तो दुनिया मानती है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राम मंदिर की सुनवाई में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है। राम मंदिर पर 10 जनवरी को सुनवाई तब टल गई थी जब सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस यू ललित की मौजूदगी पर एतराज जताया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील का तर्क था कि यू ललित पहले कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं, इसके बाद यू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। अब अयोध्या मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी और उसी दिन कुंभ में एक तरफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती परम धर्म संसद कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिमी।